हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 42 करने वाले हैं, जो आपके 23 दिसंबर की वर्कशीट है क्लास 8th की साइंस की। इसमें देखिए बल तथा दाव के बारे में बताया गया है, जिसके आप लोगों को पता है मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखता है उसे गेम, अगर आप लोगों को गेम का आंसर देते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो आपके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। किसी वस्तु को हिलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। दैनिक जीवन में हम वस्तुओं को धक्का देकर चलाते हैं, हम वस्तुओं को रोकते हैं या बल लगाकर दूसरी वस्तु की दिशा या आकार बदल देते हैं। ठीक है, सेम इसी में आपको बताया गया किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्का का खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बल के प्रभाव क्या होते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा बदलना, रुकी हुई वस्तु को चलाना, किसी वस्तु का आकार बदलना, वस्तु की गति को बढ़ाना या घटाना, और उसे रोका भी जा सकता है। तो ये आपके बल के प्रभाव हो गए। बहुत इजी सी वर्कशीट है बच्चों, सबसे छोटी वर्कशीट आपकी आज की दी गई है साइंस की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बल क्या है। बल का बच्चों सीधा सा आंसर लिखा है, ये रहा उत्तर नंबर एक, ये रहा आपका उत्तर नंबर एक। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर एक। बल किसी वस्तु पर लगाने धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको दिया गया किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा बल के प्रभाव। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे ये एक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही आंसर है, एक दो तीन चार, इसके अंदर आपको चार पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। फिर लास्ट चलते हैं थर्ड पे, आपका दिया गया है ये सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गति करें, सही निशान का चिन्ह लगाएं। ठीक है, आपको बताना है कौन सी चीज़ किस कैटेगरी की है। देखिए, गेंद को पैर से मारना, तो ये क्या हो गया, आपने इसमें धक्का दिया है, खींचा नहीं है। ठीक है, सामान से लदी हुई गाड़ी ले जाना। ठीक है, कोई गाड़ी है उसको आप लेके जाओगे तो उसमें क्या करोगे, आप उसे आप धक्का नहीं लगाओगे, उसे आप पुल करोगे। ठीक है, लोहे के पिन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी पुल हो जाएगा, क्योंकि उसने पुल किया गया, थ्रो नहीं किया गया। ठीक है, दरवाजे को बंद करना, जब कहते हैं ना कि दरवाजे को ढकेल दो, ठीक है, तो आपका इसमें आ जाएगा ये, कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, तो इसमें क्या करते हो आप लोग, पुल करते हो, मतलब खींचते हो, कहते हैं ना पानी खींच लो। पत्थर फेंकना, तो ये आपका फेंकने वाली बात है कि तो आप पत्थर में धक्का लगा रहे हो, तो ये आपका होगा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ये आपको टेबल बना लेनी है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण दे जहां बल की वस्तु का आकार बदलता है। तो आपका देखिए रबड़ हो गया, आप लिख दोगे एक तो रबड़ और एक आपका क्या हो गया, आटा। ठीक है, ठीक है, पॉलिथीन हो गया, तो ये आपके तीन एग्जांपल हो गए, और भी आप लिख सकते हो आदि। ठीक है, जो आपको याद आए। तो देखिए अब आपको दो मुझे एग्जांपल बताने हैं जिनका आकार बदला जा सकता है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसके आंसर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग अगर आंसर देते हो और मेरी वीडियो को पूरी देखते हो, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, तो आपके घर पर गिफ्ट सेंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।